بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز हज़रात उलमाए कराम हफ़ाज़ इज़ाम दुनिया में अल्लाह ताला जिन तबक़ात को अपने महबूब बंदों में शामिल करते हैं वो तबक़ा अहले क़ुरान का अहले इल्म का तबक़ा है। क़ुरान पाक है, पाक क़ुरान को अल्लाह पाक दिलों में बसाता है। अगर दिलों में किसी का दिल अल्लाह ने मुंतखब किया क़ुरान की हिफाजत के लिए, ज़ुबानों में किसी की ज़ुबान को अल्लाह ने मुंतखब किया क़ुरान पाक की तिलावत के लिए, ज़हनों में किसी के ज़हन को अल्लाह ने मुंतखब किया क़ुरान पाक को समझने के लिए, फ़हमों में किसी के फ़हम को अल्लाह ने चुना क़ुरान पाक के इफ़हाम और तफ़हीम के लिए, तो ये बहुत बड़ी सआदतमंदी है। ये अंबिया की वरासत है। इन सआदत बज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। अल्लाह ने हमारी ज़ुबान को, हमारे जहन को, हमारी नज़रों को, हमारे कानों को, हमारे दिलों को, हमारे फ़हम को, हमारे सोच को क़ुरान के इफ़हाम व तफ़हीम के लिए अल्लाह ने जब कबूल कर लिया, इस पर हम शागिर बने। हम इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ के मिज़दाक हैं। मन الحافظون وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ। हाफिज़ून कौन है? हाफिज़ साहब हाफिज़ून में से हैं। हाफिज़ून कौन है? हाफिज़ साहब हाफिज़ून में हैं। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, अल्लाह ताला कह रहा है तो अल्लाह कारी बना कि नहीं बना? तो कारी कौन है? अल्लाह कारी है, कुर्रा उसके मिज़दाक हैं। अल्लाह ने जो औसाफ़ उलमा को अता किया है वो औसाफ़ ख़ुद के औसाफ़ हैं। वो औसाफ़े ज़ातिया, अल्लाह कारी है, अल्लाह ने हमें भी कारी बनाया। अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह ने हमें भी हाफिज़ बनाया। अल्लाह आलिम है, अल्लाह ने हमें भी आलिम बनाया। अल्लाह मुफ्ती है, अल्लाह हमें भी मुफ्ती बनाया। इन्नल्लाह युफ्तीकुम यस्तफ्तूनका, आपसे लोग फतवा तलब करते हैं, आप कह दीजिए। अल्लाह फतवा देता है। कौन फतवा देता है? तो अल्लाह मुफ्ती बना कि नहीं बना? तो वो सिफात जो अल्लाह के हैं वही सिफात से अल्लाह ने हमें भी नवाजा, वही अलकाब अल्लाह ने दिया ताकि तखल्लुकू बिअख्लाकिल्लाह, अल्लाह के अख्लाक तुम भी अपनाओ।
अल्लाह के अखलाक क्या? सबसे पहला अल्लाह का खुल्क यह है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह अल्लाह ताला चाहता है, ओ अल्लाह के बंदो, ओ अहले कुरान, तुम भी बेनियाज बनो, तुम भी बेनियाज बनो। अल्लाह मुस्तगनी है, तुम भी मुस्तगनी बनो। अल्लाह देता है, लेता किसी से नहीं, तुम भी देने वाले बनो, तुम भी देने वाले बनो। अनफिकिया बिलाल, बिलाल देता रहे, वला तख्श अनजिल अर्शी इखलाला, देता रहे, कभी देने वाले से मायूस ना होना, अर्श वाले से कभी मायूस ना होना, देता रहो। और हम जो लोगों को दे रहे हैं उसका मुआवजा हम नहीं ले रहे हैं, जो ले रहे हैं वो मुआवजा नहीं है, मुआवजा है। आपने किसी को सूरह फातिहा पढ़ा दिया, उसका मुआवजा माहाना तनख्वाह काफ़ी है, वे मुआवजा तो हम लेंगे आखिरत में, क्या लेंगे मुआवजा? वे हम जो उसका मुआवजा है अल्लाह से लेंगे, दुनिया वाले क्या देंगे? कोई 5,000 रुपये हमें तनख्वाह देकर पूरे महीने की नमाज पढ़वाता है तो उसे कहो वो 5,000 रुपये मैं तुझे देता हूँ, वो मुसल्ली हो तुम्हें 5,000 रुपये देता हूँ, पूरे महीने की नमाज का सवाब मुझे दे दो, दे देंगे? देंगे भाई? तो वो मुआवजा नहीं है, नमाज का कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता, कुरान का कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता। यश्तरून बिआयतिल्लाही समनन कलीला, समने कलील पर हम आयात खरीद ही नहीं सकते, वो तो बेशबहा चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं। भाई नेकियां जो हैं वो लम यजल वला यजाल हैं, लेकिन पैसे वो तो वज़िलुन ज़ाइलुन हैं, वो यजल हैं यजाल हैं। लम यजल वला यजाल हय्युन क़य्यूमुन ला यमूत, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसी तरह नेकियां ला तुबतिलू अमालकुम बिल मन्नी वल अदा, अल्लाह ताला कहता है तुम एहसान जितला कर तुम्हारी नेकियों को ज़ाया ना करो। मैंने तुझे कुरान पढ़ाया, इसका मुआवजा अल्लाह देगा, तुझे दे रहा है, ये नजराना है। क्या है वो? क्या है भाई? नजराना, उसे क्या कहते हैं? नजराना, नजर ही नहीं आना। नजराना किसे कहते हैं? जो नजर ही नहीं आना उसे क्या कहते हैं? नजराना। नजर आना वो कब है? वो मौत के बाद है। ये क्या है? ये नजर ही नहीं आना, इसका सिर्फ कवर के अंदर रखती हूँ उसको। नहीं समझे? कहे के अंदर रखते हैं। अरे आप लोग उर्दू तो समझते होंगे, सब अरबी में बोलना, बस लोग होती ज़्यादा अरबी फारसी वाले, उर्दू तो आप लोग आराम से समझ जाते होंगे। ये जो छोटे छोटे चुन्नन मुन्नन हैं जी, मुराहिकीन, कौन है ये सब? मुराहिकीन हैं, अनकरीब इन पर नमाज फ़र्ज होने वाली है। तो वक्फ वक्फ में फ़र्क है, नजराना क्यों? इज्जत, इज्जत की बात है। ये क्या है भाई? हकीकी हम सब का अजर कौन देगा? कल मुझे बड़ी खुशी हुई, यूसुफ साहब के जनाजे में शरीक रहा, और रास्ते में हर मिलने वाला ये कहता था मैं हजरत का शागिर्द हूँ, मैं हजरत का शागिर्द हूँ, मैं हजरत का शागिर्द हूँ, मैं हजरत का शागिर्द हूँ। इससे बड़ा एहसास दुनिया में कोई एहसास नहीं।
हम जो खिदमत कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों से तुम कहो ही मत हमारे मरने के बाद तुम इसाले सवाब करना, तुम्हें नियत की ज़रूरत ही नहीं, तुम अलिफ पढ़ोगे इसाले सवाब होता रहेगा, तुम बा कहोगे इसाले सवाब होता रहेगा, तुम नमाज पढ़ोगे इसाले सवाब होता रहेगा, तकबीर कहोगे इसाले सवाब होता रहेगा, तुम दावत का जो भी काम करोगे इसाले सवाब ही मिलता रहेगा। क्यों? तुम्हारे पढ़ने वाले फातिहा का हिस्सा हम हैं, तुम्हारी ज़ुबान पर फातिहा जारी है तो उसके हिस्सेदार हम हैं, तुम कुलवल्लाह हज पढ़ते हो उसके हिस्सेदार हम हैं, तुम अल्लाह अकबर कहते हो उसके हिस्सेदार हम हैं, तुम रुकू करते हो उसके हिस्सेदार हम हैं, तुम सजदा करते हो उसके हिस्सेदार हम हैं, आज तुम मस्जिद को आने वाले बने तो उसके हिस्सेदार हम हैं, इसलिए कि मदारिस का दिया हुआ सदका है। क्या है? मदारिस का दिया हुआ सदका, वो भी जारिया, वो भी कैसा, उसे सब तुम लोगों का नियत करी। तो वो यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अली अल्लाह के बंदे, अल्लाह के प्यारे हो गए, जितने लोगों को उन्होंने कुरान पढ़ाया वो जब जब कुरान खोलेंगे सवाब किसको मिलेगा? हमारे शागिर्द मुफ्ती जुनेद के जनाजे को देखकर उनके ताया कहने लगे, मौलाना मुझे इसके जनाजे पर उलमा की शिरकत को देखकर मैं यूँ तमन्ना करने लगा, काश मेरी औलाद भी उलमा होती तो कितना अच्छा था। उलमा की कदर ये लोग नहीं जानते, मौलवी क्या है, मौलवी क्या है, बेताज बादशाह है, बेताज बादशाह है, विलायत का हकदार है, विलायत का। अगर तुम चाहते हो औलिया अल्लाह को देखना, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा यूँ फरमाए करते थे, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को देख लिया करो, इनसे बड़ा महबूब अल्लाह के नज़दीक कोई नहीं। इसलिए कि जिनको अल्लाह चुनता है अपना बोल बोलने के लिए उसकी ज़ुबान को कबूल कर लेता है, तेरी ज़ुबान में मेरी बात निकलेगी, गुफ्ते उ गुफ्ते अल्लाह बुवत गुफ्ते उ। अब ये क्या पढ़ा रहा है? पढ़ो बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं गुफ्ते उ गुफ्ते अल्लाह बुवत, अल्लाह भी तो बिस्मिल्लाह पढ़ा था नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा नहीं पढ़ा, अरे भी पढ़ा नहीं पढ़ा अल्लाह बिस्मिल्लाह? नहीं मालूम आप लोगों को? अरे अल्लाह ने पढ़कर सुनाया जिब्रील को, तभी तो जिब्रील आकर पढ़े, शक में पढ़ गया अल्लाह पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यहाँ हिस्सा होता है। अल्लाह ताला पढ़कर जिब्रील को सुनाया, तभी तो जिब्रील आकर सुनाए। कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो पढ़ा हुआ कलाम है, अल्लाह ने भी पढ़ा, जिब्रील ने भी पढ़ा। जिब्रील ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को पढ़ने को कहा तो सरकार ने भी पढ़ा। तो ये ऐसे ही किरात, तलफ्फुज, तजवीद, तरतीब, ये सब अल्लाह से नकल शुदा है। इसकी सनद जाकर कहाँ से जुड़ती है? हमारी जो सनद की मुंतहा अल्लाह है, समझे भाई? हम अल्लाह वालों की सनद पर, इन्हों नक्शबंदी को तो इनकी इज्जत बढ़ गई, अरे तुम क्या हो, इन्हों चिश्ती, अरे हज़रत चिश्ती हैं, हज़रत नक्शबंदी हैं, हज़रत मुजद्दिदी हैं, हज़रत सहरवर्दी हैं, है नहीं? लेकिन तुम्हारी सनद कहाँ जुड़ती है? हम जो सनद दे रहे थे सनद, अरे हाफिज साहेबों को सनद देते नहीं देते, वो सनद कहाँ जुड़ती है? चलते 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 कहाँ जुड़ती है? इतना बड़ा मकाम दस्तारबंदी में जब हमें मिला है या मिलेगा तो उस मकाम की कदर करना नहीं करना? हाफिज साहब आ रहे हैं, हाफिज साहब आ रहे हैं, हाफिज साहब आ रहे हैं, तो कौन है हाफिज साहब? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह ने फरमाया इन्ना लहू लहाफिज़ून, क्या मतलब? ये हाफिज साहब जो हैं ये मेरी जमात हैं,
किसकी जमात हो, किसकी जमात है भाई? अल्लाह की जमात हो। इन्ना लहू लहाफिज़ून, ये मेरी जमात है, ये मेरी जमात के फर्द हैं, ये मेरी जमात के फर्द हैं, ये मेरी जमात के फर्द हैं। अब हाफिज साहब क्या तबी दियो भाई, क्या तबी दियो भाई? कहो अल्लाह कह रहा है वइन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह ताला हाफिज़ून है, तो हम किसे पूछेंगे? अल्लाह हम तेरा काम कर रहे हैं, तू हमें दे, किसा काम कर रहे हैं, किसा काम कर रहे हैं भाई? कुरान पढ़ना पढ़ाना किसका जी काम, वो किसका काम? वो हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर करते थे रमज़ान मुबारक में, दौर करते नहीं करते थे? हजरत जिब्रील को दो मरतबा कुरान सुनाए, वो रमज़ान जिस रमज़ान में सरकार का विसाल हुआ, जिस रमज़ान के बाद दो मरतबा कुरान सुनाया आपने। तो हम जो काम कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? तो अल्लाह से हम मुआवजा तलब करेंगे, या अल्लाह इसका बदला तू दे। अल्लाह कह रहा है ए बंदे जब तू उसके पास ले लिया, मेरे पास क्यों को मांग रहा? हम कभी तनख्वाह नहीं मांगेंगे, जो कहेंगे अल्लाह से कहेंगे, जो कहेंगे अल्लाह से कहेंगे, जो कहेंगे अल्लाह से। अल्लाह से कहने की आदत डालकर देखो, आदत डालकर देखो। हम इतना शक्की हैं, दुआ करो बोले तो राम सुन लो, राम सुन लो क्या इस दुआ, कितनी अच्छी दुआ करे गुलखन, क्या दुआ करे जी, क्या दुआ करे, वाह क्या दुआ करे। ये दुआ की तरफ चपरासी भी तवज्जो नहीं देता, भीख मांगने वाला भी कैसा मांगता है भाई, उम्मीद के साथ, बाबा बाबा देखती देखे, अरे जेब मोट, जेब जो ही देखे गर्म है, बाबा 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 पीछे पड़ जाता है। और आप देखिए फकीरा कभी फकीरा के पीछे नहीं पड़ते, पढ़ते हैं आज तक कब तक भी देखेगा, हालांकि फकीरा के पास भी पैसे हैं, है नहीं है? उनको मालूम इन्हें फकीर, इसके पास थैली भर के पैसा मौजूद है, लेकिन कभी उससे नहीं मांगता। क्यों? फकीर कभी फकीर को दे। इन अल्लाह गनी व अंतुमुल फुकरा, ये फकीरों से क्यों मांगते हो? ये तुम्हें देंगे क्या? मुझसे मांगो, मन मिन साइल फाउती, मन मिनकुम मुस्तगफिरुन फाग़फिरुल्लाह, कोई है मुझसे मांगने वाला जिसकी मांग मैं पूरी करूं? वो तहज्जुद का वक्त है जिस वक्त बंदा उठकर अल्लाह का कलाम अल्लाह के सामने सुनाकर अल्लाह से यूं कहे, या अल्लाह मैं तेरे कलाम का खादिम हूं, तू मेरी जरूरत को पूरा फरमा, मेरी बीवी की जरूरत पूरा करने वाला तू है, मेरी बच्चों की जरूरत पूरा करने वाला तू है, मेरी वालिदैन की जरूरत पूरा करने वाला तू है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाही रिज़्क़ुहा, का मैं तुझे वास्ता देता हूँ, या अल्लाह जो हाथ तेरे किताब को उठाए, जो जुबान तेरे कलाम को पढ़े, जो नजर तेरे कलाम को देखे, जो सर तेरे सामने झुकाए, या अल्लाह किसी और के सामने झुकने से, किसी और की तरफ देखने से, किसी और के सामने बोलने से, किसी और के सामने हाथ बढ़ाने से बचा ले। करेंगे भी इंशाल्लाह। फिर देखो आप नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, आप बाप बन जाओगे उम्मत के लिए देने वाला, उम्मत के लिए इंशाल्लाह देने वाला, अल्लाह से लेने वाला उम्मत को। अब मैं कभी हैरान होता हूँ, हमारे बुजुर्गान दीन जिस ज़माने में मदारिस शुरू किए उस ज़माने में देने वाला कोई नहीं था। आप अंदाज़ा लगाओ, थोड़ी देर सोचो, आजकल हम मदरसा चलाते हैं, भाई ज़रा मदरसे कुछ चावल, भाई साहब
ज़रा मदरसे को दाल, भाई आप ज़रा गोश्त का इंतज़ाम कर लें, भाई आप ज़रा अंडों का, आप ज़रा दूध का, आप ज़रा शक्कर का, भाई आप अपने घर में एक दो तीन डब्बे रख लें, कौन से चंदे के, आप अपने दोस्तों को ज़रा दें, भाई आप तो हमारे बुजुर्गों के ज़माने में कौन थे भाई, आप थे क्या, थे? ये जमात सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करती है और ये तवक्कल तो अल्लाह इस पर मदरसे चलाती है। ये जब मदरसे चलाती है, कोई वादा वईद पर मदरसे नहीं चलाती। किसी से यूं नहीं कहा जाता, भाई मैं वादा करता हूं आपके मदरसे को चंदा दूंगा, मैं वादा करता हूं आपके मदरसे को सैलरी दूंगा।